अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मलक फ़ारूक। आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मलक फ़ारूक। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके जायकों में। आज मैं आप लोगों को लिए रेसिपी लेके आया हूँ आलू मटर और गोश्त की। बहुत आसान रेसिपी है ये, शोरबे वाले बना के दिखाऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा और शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से बताऊंगा। अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल के जो घंटी है उसको ऑल कर देना। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त मटर। इसका सालन तैयार करेंगे, वो भी शोरबे वाला। आप देख सकते हो माशाल्लाह हमारे पास चिकन है, ये हम आलू मटर हैं, ये प्याज है, दो अदर हमने बारीक चाक कर लिया है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया है, ये दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये चार पांच हरी मिर्च है, ये हमारे पास मिसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी ऑलरेडी। हम इसमें जो हमारा घी है वो भी गर्म हो गए। अब हम इसमें प्याज डालते हैं, ये दो मीडियम साइज़ के प्याज थे हमारे पास, इसको हमने हल्का गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो गया है, अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे और एक पाव हमारे पास चिकन है वो हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्योंकि चिकन भी इसके साथ पक जाए, जो इसकी स्मेल वगैरह है चिकन की वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने अदरक और लहसुन इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। चिकन ने ऑलरेडी कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम पांच छह हमारे पास हरी मिर्च, इसका हमने पेस्ट तैयार किया था, और दो मीडियम साइज़ के हमारे पास टमाटर थे बारीक चाक किए हुए, ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको टमाटरों को अच्छी तरह हम गिला लेंगे। अब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक टीस्पून हमारे पास दरदरी की हुई लाल मिर्च है अनकुटी हुई, आधी टी स्पून हमारे पास बारीक पीसी हुई लाल मिर्च है, और आधी टी स्पून हमारे पास हल्दी है, एक टी स्पून हमारे पास नमक है, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिर्च को अच्छी तरह हम भून लेंगे। तीन चार इसमें हम सब्ज़ मिर्चें साबत वो ऐड कर देंगे। डेढ़ पाव हमारे पास आलू थे वो हमने इसके बड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि बड़े टुकड़े जो शोरबे में अच्छे लगते हैं वो ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू थोड़ा देर से गलते हैं इसलिए मैं गोश्त के साथ ही इसको गिला दूंगा। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर हमारे पास एक पाव थे, मटर इसलिए मैं एंड पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मटर वैसे नरम होते हैं, अगर हम पहले इसमें डाल देते मटर गल जाते, क्योंकि अब हमारा वैसे भी रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है इसलिए हमने मटर एंड पे डाले हैं। अब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। मिसाले वैसे भी मैं एंड पे ऐड करता हूँ। ये हमारे पास गर्म मिसाला है, आधी टीस्पून हम मैंने इसकी ली है, आधी टीस्पून मैंने शाही जीरा जो ब्लैक जीरा होता है उसकी ली है, और आधी टीस्पून मैंने जो पिसा हुआ धनिया पाउडर है वो ऐड किया है। मिसाले वैसे भी मैं एंड पे ऐड करता हूँ, आप भी एंड पे ऐड किया करो, क्योंकि उसकी खुशबू वगैरह जो सालन में रहती है। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे, भुनाई अच्छी तरह होगी है माशाल्लाह, मटर आलू और चिकन अच्छी तरह उसकी भुनाई हो गई है। थोड़ी बहुत ही जो रही कसर रहती है आलू और मटर की वो हम इसमें दो गिलास पानी का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो पानी में आप पक जाएंगे। भुनाई लाजमी करनी है, शॉर्ट तरीके से रेसिपी बताई है, इतना आपका टाइम भी ज़ाया नहीं किया। तकरीबन इसको आप 15 मिनट हम इसको पकाएंगे, दम दे देंगे, मीडियम फ्लेम को हम मीडियम साइज पर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पकाया है, अब ढक्कन उतारते हैं। माशाल्लाह देख सकते हो, अब ऑलरेडी हमारा जो आलू मटर गोश्त है ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। हल्का सा बारीक चाक किया हुआ धनिया सब्ज़ अच्छी तरह इसको अब हला लेंगे। ये शोरबे वाले आलू मटर गोश्त हमारी जो रेसिपी मुकम्मल ऑलरेडी तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व करते हैं, सर्व करके दिखाते हैं आपको। डैश आउट हम मैंने रेसिपी ऑलरेडी कर दी है, देख सकते हो माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है शोरबे की।
आलू गोश्त मटर का जो सालन है मैंने शॉर्ट तरीके से बताया आपको। अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल कैन जो घंटी है उसको ऑन कर देना। अब तक दीजिए मुझे इजाज़त, कल हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।